शासकीय माध्यमिक स्कूल अच्छे रोहनी में स्कूल लाइफ नामक शीर्षक से बनाए गए वीडियो की जांच केवल कागजों तक सीमित। स्कूल लाइफ नामक शीर्षक से वीडियो में कई आपत्तिजनक दृश्य दिखाए गए, साथ ही कई दृश्य में कलाकारों द्वारा राष्ट्रगान का भी अपमान किया गया था। खबर खनी थाना जनपद शिक्षा केंद्र के तहत आने वाले शासकीय माध्यमिक विद्यालय अचरोनी से है, जहाँ शासकीय विद्यालय के भवन में स्कूल के प्राचार्य और स्टाफ की मिलीभगत से स्कूल टाइम में बच्चों को ना पढ़ाकर स्थानीय लोगों के द्वारा क्लासरूम में कॉमेडी वीडियो बनवाए गए हैं, जिसमें कई दृश्य आपत्तिजनक दिखाए गए हैं। उक्त वीडियो में अपशब्दों का प्रयोग किया गया था। वीडियो में इतना तक दिखाया गया था कि भारत के राष्ट्रगान को भी अपशब्दों से बोला जा रहा है और वीडियो में देखा और सुना जा सकता है। इस पूरे वीडियो को कलाकारों द्वारा कॉमेडी वर्ल्ड नामक यूट्यूब चैनल पर अपलोड करके वायरल भी कर दिया गया था। यूट्यूब पर हजारों के व्यूज भी मिले। इसकी जानकारी हमारी टीम को लगी तो तत्काल मौके पर पहुंचकर विद्यालय की कवरेज की गई। जिस कक्षा में शूटिंग की गई उस कक्षा को भी अपने कैमरे में कैद किया गया। जब इस संदर्भ में शाला प्रभारी सुरेश कुमार सोनी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस पूरे घटनाक्रम की मुझे जानकारी नहीं है और ये वीडियो शूट 15 अगस्त को होना बताया जा रहा है, जबकि शाला कक्षा के ब्लैकबोर्ड पर 14 अगस्त की तारीख लिखी हुई दिखाई दे रही है। प्रभारी अपनी गलती को शाला के चपरासी पर मरते हुए नजर आ रहे थे। जब ये खबर हमारे चैनल ने प्रमुखता से दिखाई तो खनिया थाना के शिक्षा विभाग में हलचल मच गई और खनिया थाना BRCC संजय भदौरिया ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए तत्काल जांच टीम का गठन कर तत्काल जांच करने के आदेश दिए थे, पर जांच टीम के द्वारा विद्यालय में लगातार 2 दिन हो जाने के बाद भी जांच पूरी नहीं हुई। आज जांच की गई, करीब 5 दिन बीत चुके हैं पर ये जांच अब लगता है ठंडे बस्ते में डाल दी गई है। इससे अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहीं जांच टीम और खनिया थाना शिक्षा विभाग की खबर संज्ञान में आने वाले अधिकारियों के साथ घाट होना स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है, नहीं तो अभी तक कार्रवाई होना तय थी। अभी तक उक्त जांचकर्ता टीम और खनिया थाना BRCC के द्वारा अभी तक अपने वरिष्ठ कार्यालय शिवपुरी के अधिकारियों के संज्ञान में मामला नहीं लाया गया है। जब इस पूरी खबर की जानकारी आज हमारी टीम ने शिवपुरी DPC दफीज दान सिंह सिकरवार से ली तो DPC साहब ने स्पष्ट तौर पर बोला कि अभी तक ये मामला मेरे संज्ञान में नहीं है, आपके द्वारा मामला संज्ञान में लाया गया है, वह तत्काल जांच टीम का गठन कर जांच कराकर उचित कार्रवाई की जाएगी। जब कभी तक खनिया थाना शिक्षा विभाग अधिकारियों ने अपने वरिष्ठ कार्यालय को पूरी जानकारी नहीं बताई तो आप खुद समझ सकते हैं कि उक्त जांच कैसी हुई होगी और वह जांच कहां तक पहुंचेगी। आज दोबारा फिर से खनिया थाना BRCC संजय भदौरिया से जब फोन पर बात की गई तो खनिया थाना BRCC संजय भदौरिया द्वारा दोबारा जांच करने की बात कही गई है। अब देखना यह है कि पूर्व में जांच की गई है वह जांच केवल तक ही सीमित रह गई या फिर दोषियों पर उचित कार्रवाई की जाएगी। खनिया थाना से शिवकांत सोनी की रिपोर्ट। सर, एक अचरोनी माध्यमिक विद्यालय का मामला सामने आया, 15 अगस्त को एक कॉमेडी वीडियो बनाई गई थी जिसमें गलत तरह से शब्द का इस्तेमाल किया गया और अशब्दों का भी इस्तेमाल किया, सर इस पर आप क्या कार्रवाई करेंगे? मुझे इसमें संज्ञान में नहीं है, लेकिन आप लोगों ने इसमें संज्ञान में लाए हैं कि माध्यमिक विद्यालय छरौनी में कोई 15 अगस्त के दिन कोई कॉमेडी वीडियो बनाया गया है जो आपने मुझे दिखाया है। इसके संबंध में अभी मैं खंड स्वरूप समन्वयक जनपद शिक्षा केंद्र खनिया थाना से लिखित में वहाँ की जांच करवाता हूँ, कमेटी बनाकर, और वस्तु स्थिति निकल के आएगी और जो भी दोषी होंगे संस्था प्रधान या वहाँ के शिक्षक संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।